हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B24 नॉलेज। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं, यदि अपने आधार कार्ड में आप अपना एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो आप काम वो घर बैठे ही कर सकते हैं। ना ही तो आपको किसी CSC सेंटर जाना है, ना ही तो आपको किसी आधार सेंटर जाना है। अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। डायरेक्ट उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको टाइप करना है आधार कार्ड PDF फॉर्म। इसको अपने ब्राउजर में टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके देखिए, एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट फॉर्म PDF। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, इसको आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद, फॉर्म को प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट लिख लेना है। डेट लिखने के बाद आपको रेसिडेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और अपडेट रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पे फुल नेम अपना यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद से केयर आप में यहाँ पे हस्बैंड नेम या फादर नेम यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको हाउस नंबर यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट और रोड लाइन यहाँ पे लिख लेना है आपको। फिर लैंडमार्क यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पे एरिया सेक्टर आपका जो भी होगा यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप विलेज से हैं कि टाउन से, आपको यहाँ पे उस जगह का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना लिख लेना है। उसके बाद से यहाँ पे अपना स्टेट आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर यहाँ पे लिख लेना है। फिर अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पे फोटो अपनी लगा लेनी है। फोटो लगाने के बाद अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और जो भी सर्टिफायर रहेगा उसका यहाँ पे मोहर लगवाना है। मोहर लगवाने के बाद उनका मोहर पे दस्तखत होगा, यानी कि सिग्नेचर होगा। सर्टिफायर का डिटेल यहाँ पे जो भी सर्टिफायर रहेगा उसका यहाँ पे नाम लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे उनका जो भी पता है यहाँ पे लिख लेना है, उनका ऑफिस एड्रेस आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद उनका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिख लेना है। सर्टिफायर इसमें से कोई भी हो सकता है। यदि आप गाँव से है तो आपको विलेज पंचायत हेड मुखिया आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप किसी नगर से हैं तो आपको MP, MLA, MCL, म्यूनिसिपल काउंसिलर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से चाहे तो आप किसी से भी सर्टिफायर आप करा सकते हैं। सर्टिफायर कराने के लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको सारा यहाँ पे अपना डिटेल आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद उनके पास जाना है और उनका यहाँ पे अपना फोटो यहाँ पे लगा लेनी है सबसे पहले। उसके बाद अपना उनका यहाँ पे जो मोहर रहता है, जो स्टाम्प रहता है, यहाँ पे अपना वो कर देंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है। फिर जो सर्टिफायर होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। उसके बाद से उनका सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप करवा लेना है। फिर उनका स्टाम्प यहाँ पे भी एक मोहर लगवा लेना है और यहाँ पे उनका सिग्नेचर करवा लेना है। सिग्नेचर करवाने के बाद जो भी यहाँ बॉक्स दिख रहा है आपको, साइन का निशान यहाँ पे सब पे कर लेना है। उसे करने के बाद इसको अच्छे से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद अपने लैपटॉप या फोन में इसको सेव करके रख लेना है। आपको कुछ इस तरह का फॉर्म फिलअप कर लेना है। ध्यान रहे कि कैपिटल लेटर में ही फॉर्म को भरें। इसके बाद आपको इस पेज पे आ जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। ना ही तो आपको टाइप कर लेना है uidi.gov.in, टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। अपने माउस कर्सर को माई आधार वाले ऑप्शन में ले जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, अपडेट डेमोग्राफी डाटा। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा टाइप कर देना है जैसे लिखा हुआ है। टाइप करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे OTP आएगा। OTP को यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस आइकन पे क्लिक करके अपना फ्रंट पेज और बैक पेज अपने आधार कार्ड का देख सकते हैं। आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए आपको ऑनलाइन अपडेट सर्विस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, अपडेट आधार ऑनलाइन। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए एड्रेस वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। जो भी डिटेल आपने फॉर्म पे आपने फिलअप किया हुआ है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। चलिए मैं फिलअप कर लेता हूँ। फादर नेम अपना टाइप कर लेंगे या हस्बैंड नेम टाइप कर लेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप इंग्लिश में टाइप करेंगे हिंदी में ऑटोमेटिक ही नीचे टाइप हो जाएगा। यदि ऐसे नहीं टाइप होता तो आप
गूगल ट्रांसलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे पिन कोड नंबर अपना टाइप कर देना है। पिन कोड नंबर टाइप करते ही आपका स्टेट और आपका विलेज टाउन ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो जाएगा। सारा फिलअप करने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लगाकर अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसको चेंज करा सकते हैं। यदि इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपने जिसे भी अपना डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कराया हुआ है उस डॉक्यूमेंट ऑप्शन का आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने एमपी एमएलए से कराया है तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने किसी इंस्टीट्यूट से कराया है तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। या आपने किसी तहसीलदार से कराया हुआ है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप अपने ग्राम प्रधान जो मुखिया होते हैं उनसे आपने कराया हुआ है तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो व्यू डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक कर लेना है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके अपने लैपटॉप या अपने फ़ोन में सेव किया हुआ है पीडीएफ फाइल में उसको अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे अपना डिटेल आपको एक बार चेक कर लेनी है। कुछ एडिट करना चाहे तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वॉलेट या नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना है। आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं UPI ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद अपना UPI ID आपको सेलेक्ट टाइप कर लेना है। फिर वेरीफाई क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन जाएगा, वहां से अपने फ़ोन पे से आपको पेमेंट कर लेना है। चलिए मैं पेमेंट कर देता हूं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एक स्लिप जनरेट हो जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है या तो प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर ही आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वह चेंज हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल B24 सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।